नजरुल्लागंज के नीलकंठ मुख्य मार्ग पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ। आपको बता दें कि नगर नसरुल्लागंज के नीलकंठ मार्ग पर पंडित गुरुप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में 100 पौधों का रोपण किया गया। वहीं जानकारी देते हुए पंडित आशीष शर्मा द्वारा बताया गया कि नसरुल्लागंज से नर्मदा तट नीलकंठ तक 1000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इस श्रृंखला में प्रथम दिन 100 पौधों का रोपण किया गया है। वहीं सप्ताह में एक बार इस प्रकार से पौधारोपण कर हजारों पौधे रोपित किए जाएंगे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। भाई साहब, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया है, क्या कहेंगे आप? भविष्य में सृष्टि को यदि बचाना तो वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। जिस रफ्तार से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं लोग, उससे यदि वृक्षारोपण नहीं हुआ और आगे पेड़ नहीं लगाए गए तो सांस लेना दूभर हो जाएगा। ऐसी स्थिति पृथ्वी पर बनती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत घातक है, उसको यदि खत्म करना है तो वृक्षों का लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि प्राणवायु है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए प्राणवायु यदि उत्पन्न करना है तो वो केवल एक ही तरीके से उत्पन्न हो सकती है, वो है वृक्षारोपण। और इसलिए मैं अखिल ब्राह्मण परिषद को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक अभिनव प्रयास किया है।